हेलो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं आगे. सेवन एडजस्टमेंट्स हमारी ऑलरेडी हो चुके हैं. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ध्यान से देखिएगा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब बात करेंगे. सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है. मिस्टर ए ने, सपोज मिस्टर बी को गुड्स सेंड किए या सेल ही किए मैं को इनफैक्ट, बट एक कंडीशन लगा दी. क्या मतलब इस कंडीशन के साथ, विद इन 15 डेज मिस्टर बी कैन रिटर्न द गुड्स. अगर उन्हें गुड्स पसंद नहीं आते हैं तो उसे रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो इस तरह की सेल, इस तरह के गुड्स भेजे जाते हैं कि जहाँ बायर को अगर पसंद आए तो अपने पास रख ले, नहीं तो वापस कर दे, उन्हें बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं भी आपको नॉर्मल बातें बता रहा हूँ सारी इसके बारे में. जब गुड्स भेजे जाते हैं मिस्टर बी को, एज सच देखा जाए तो इसकी कन्फर्मेशन आफ्टर 15 डेज ही होगी, या मिस्टर बी 15 दिन से पहले खुद कम्युनिकेट कर दें कि हाँ भैया मुझे गुड्स पसंद आ गए, मैं अपने पास रख लूँगा. अब इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, अगर मैं बुक्स ऑफ मिस्टर ए की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द टाइम गुड्स आर सेंट, जब गुड्स सेंट किए किसने, मिस्टर ए ने, एट द टाइम गुड्स आर सेंट, उस समय क्या होगा. उस समय बेसिकली ए जो है वो अपनी नॉर्मल सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे. तो क्या एंट्री डाली, बी डेबिट टू सेल्स. ठीक है, बी डेबिट टू सेल्स. अब सपोज ये जो गुड्स भेजे थे इनकी वैल्यू थी, सेल्स वैल्यू 10,000 रुपये, तो यहाँ एंट्री कितने से आ गई, 10,000 रुपये. ठीक है, अब आगे जाके दो ही चीज़ें होंगी, गुड्स अप्रूव्ड, कि गुड्स क्या हो गए, अप्रूव हो गए. तो अप्रूव हो गए तो अच्छी बात है, हमें कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं. गुड्स अप्रूव्ड, और अगर गुड्स नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड नहीं हुए तो भी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है. हम क्या करेंगे, ये सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे सेल्स टू बी. देखो आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझो, आप सेल्स रिटर्न नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो आपने सेल नहीं करी है. आप कहोगे सर आपने गुड सेल लिखा है, ठीक है भाई सेंट मान लो. जब इस तरह की कंडीशंस पे भेजा जाता है तो उसे सेल आप तब तक ऑफिशियली नहीं बोलते. तो आपने बुक्स में एंट्री डाल दी, ठीक है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग सारी चलती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे. कोई भी चीज़ हमें एक्चुअलिटी में देखनी है, लीगल फॉर्म में नहीं देखनी. ठीक है 15 दिन का टाइम है, बट एक बार तो गुड्स आपके पास से चले गए इसलिए आपने एंट्री डाल दी. अप्रूव हुए कोई एंट्री नहीं, अप्रूव नहीं हुए आपने रिवर्स किया. बट रिवर्स के टाइम पे मैंने सेल्स रिटर्न नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो नेचर था वो सेंट था. अगर मैं इसको सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ मतलब उस समय मैंने क्या मान लिया था, सेल्स. समझ में आया, इसलिए सेल्स टू बी लिखा मैंने. अब इसमें एक सिचुएशन जो और क्रिएट होती है, जरा समझना. ये समझ में आ गया, गुड्स अप्रूव हो गए नो एंट्री, अप्रूव नहीं हुए तो रिवर्स. अब सपोज ए ने 20 मार्च को गुड्स भेजे थे ऑन अप्रूवल बेसिस. कब भेजे थे, 20 मार्च को. ठीक है, 15 डेज का टाइम था, मतलब अप्रूवल टाइम कब तक था, 5 अप्रैल यहाँ तक अप्रूवल आ सकता है. बट प्रॉब्लम क्या आ गई, बीच में पड़ गया 31 मार्च, जिस दिन मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना. अब प्रॉब्लम ये है कि जो गुड्स भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे 31 मार्च को, ना ही ये अप्रूव्ड हुए हैं
और ना ही रिजेक्ट हुए हैं, नीदर अप्रूव्ड नॉर रिजेक्टेड। बात समझ में आ गई आपको, होपफुली कोई डाउट नहीं। अब प्रॉब्लम यह है 31 मार्च को अकाउंटिंग क्या करें। सेल दिखा देना गलत है, क्योंकि सेल का जब तक कंसेंट नहीं आएगा मैं उसे सेल नहीं मानूंगा। इस फाइनेंशियल ईयर की सेल जब तक नहीं मानूंगा, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंसेंट आ गया होता मैं इसकी सेल मान लेता। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ऑन 31 मार्च सबसे पहले, क्योंकि हम प्रूडेंस बेसिस पे काम करते हैं, हम सबसे पहले वो सेल्स की एंट्री रिवर्स डालेंगे, सेल्स डेबिट टू बी, कितने से 10,000। अब सेल्स की एंट्री तो रिवर्स डाल दी, लेकिन एक चीज़ और बताओ आपने यहाँ, ठीक है आपने यहाँ पर सेल की एंट्री डाली थी, ठीक है यहाँ आपने क्या किया, अप्रूवल नहीं आया हुआ था, टू बी सेफर साइड आपने सेल की एंट्री क्या कर दी, रिवर्स कर दी। बट अगर आप कायदे से सोचें तो क्या गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं? गुड्स भी तो आपके पास नहीं है, गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं, कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, हाँ या ना। अगर आपने सेल की एंट्री रिवर्स कर दी तो फिर आपके इट शुड बी इन क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ पर होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में। क्योंकि अगर हम देखें जो भी हम गुड्स परचेज करके लाते हैं, जो भी हम गुड्स परचेज करके लाते हैं या तो वो सेल होते हैं या वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होते हैं। अब सेल हुए नहीं, एंट्री रिवर्स मार दी, क्लोजिंग स्टॉक में भी कहा वो तो कस्टमर के पास पड़े हैं, हाँ या ना, समझ में आई बात। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं गुड्स विद कस्टमर, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। लेकिन ये अब हम लिखेंगे कॉस्ट पे, क्योंकि हमारे लिए अब ये गुड्स हैं, अब ये सेल नहीं हुए। अब सपोज जो ए ने सेल किया था मिस्टर बी को, उसकी सेल्स वैल्यू 10,000 थी और ए के लिए उसकी जो कॉस्ट थी वो 8,000 रुपये थी। तो ए जो है अपनी बुक्स में गुड्स विद कस्टमर डेबिट करेंगे कितने से, 8,000 से, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप कहोगे सर ट्रेडिंग क्यों, मन में यही आ रहा है, बता दो 100 यूनिट परचेज करें, सेल के सपोज 70, क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए 20, गुड्स विद कस्टमर हैं 10, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बार बार शुरू से सिखा रहा हूँ, परचेज डाली, कितने की डाली 100 की, सेल कितनी हुई 70। अब अगर मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 10 का लिखा, 100 क्लोजिंग स्टॉक 20 का लिखा, 100 परचेज करे, क्लोजिंग स्टॉक 20 का डाला, तब भी ये जो कॉस्टिंग बची कितने की बची, 80, जबकि सेल कितने की दिख रही है 70। कौन सा प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या, कि कॉस्ट शुड मैच द रेवेन्यू, पिछली वीडियोस में सब में बताया है। तो 100 यहाँ लिखा 20 यहाँ लिखा, तब भी 80 की कॉस्ट होगी, जबकि कॉस्ट होनी की चीज ये 70, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा गुड्स विद कस्टमर कितना 10। तो अब ये 80 बचा, भी क्या हो गया 70, मैचिंग कॉन्सेप्ट खुश, समझ में आई बात। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया, क्यों किया, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर। अब एडजस्टमेंट में आ गया तो कैसे करेंगे, आपको सारा एंट्रीज तो हमें सब समझ में आ गए। अब जरा एग्जांपल से एक देखो, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ गई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो हम क्या करने वाले हैं, मोटा मोटा 31 मार्च को अगर वो एडजस्टमेंट में है, मतलब हमने एंट्रीज उसकी रिकॉर्ड नहीं करी, कुछ नहीं होता। पहली एंट्री क्या करती है, सेल्स कम करनी है और डेटर कम करना है, इम्पैक्ट वन, सेल्स क्या कर दोगे, कम कर दोगे, किस अमाउंट से करोगे, सेल्स वैल्यू से, ठीक है। इम्पैक्ट नंबर टू, डेटर्स को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, कितने अमाउंट से करोगे, सेल्स वैल्यू से, ठीक है। इम्पैक्ट नंबर थ्री, गुड्स विद कस्टमर,
ठीक है, कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, किस साइड? क्रेडिट साइड। और जो गुड्स विद कस्टमर आपने डेबिट किया वो आपके लिए एक तरह से असेट है, वही वापस आएगा या बिकेगा, कुछ भी होगा असेट है, तो आप उसे बैलेंस शीट में लिखोगे। चार इंपैक्ट उसके आपके। ये दोनों एंट्रीज किससे होंगी? कॉस्ट से। ये दोनों किससे होंगी? सेल्स वैल्यूज। समझ में आई? एक एग्जांपल दूं, दे देता हूँ, नाराज मत हो, अच्छा सीख जाओगे थोड़ा। डेबिट क्रेडिट परचेज डेटर्स सेल्स 1,40,000, 2,00,000। अब मैंने आपको नीचे दे दिया गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑफ रुपीज 10,000, प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। अब मैं इसको भी थोड़ा सिखा दूं जिनको नहीं पता हो, जिनको पता है वीडियो फॉरवर्ड कर लेना। 20% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे इसका मतलब हुआ 20/100 ऑन कॉस्ट, यस और नो? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसका मतलब है अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो 20 रुपये का प्रॉफिट है। इसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो 20 रुपये का क्या है? प्रॉफिट। ये इसका वे आउट होता है। तो अगर 20/100 ऑन कॉस्ट है, मतलब 100 की कॉस्ट पे 20 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है आपका? सेल्स प्राइस, यस और नो? तो 100 की कॉस्ट 20 का प्रॉफिट, तो सेल्स प्राइस 120। तो इसी चीज को आप लिखते हो 20/120 ऑन सेल्स, कि 120 की सेल्स वैल्यू पर 20 रुपए का प्रॉफिट है। समझ में आई? मत आप किसी भी तरीके से लिखो, चाहे 20/100 ऑन कॉस्ट लिखो, चाहे 20/120 ऑन सेल लिखो। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है 20% ऑन सेल, तो ये हुआ 20/100 ऑन सेल। इसका मतलब 100 रुपए अगर सेल्स वैल्यू है तो 20 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। तो सेल्स वैल्यू ये है, प्रॉफिट ये, तो कॉस्ट कितनी होगी भाई? सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट क्या करने पड़ते हैं? माइनस, तो कॉस्ट आती है ना। तो 100 रुपए सेल्स वैल्यू, 20 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो गया? 80। तो 80 आपकी क्या हो गई? कॉस्ट। 20/80 ऑन कॉस्ट। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिस 10,000 के बेचे, ये क्या होती है? किस पे बेचे होंगे आपने? सेल्स वैल्यू पे। प्रॉफिट मार्जिन है ऑन कॉस्ट, तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करो। 20/100 ऑन कॉस्ट है, इसे ऑन सेल लिया, कितना? 20/120 ऑन सेल। समझ में आई? तो 10,000 का 20/120 ये कितना आ गया? 1,667। ये प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है? प्रॉफिट आ गया 1,667। तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 10,000 माइनस 1,667, 8,333। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे डेटर हैं 40,000 के थे, उसमें से 10,000 कम कर देंगे, मैंने बताया था ना आपको, हाँ। तो कितना हो गया आपका? 30,000, ठीक है। गुड्स विद कस्टमर हम लिख देंगे, और ये किस अमाउंट से लिखेंगे? ये कॉस्ट से लिखेंगे, कितना? 8,333। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें से सेल्स आपकी 2,00,000 हैं, उसमें से अप्रूवल वाली सेल आप माइनस कर दोगे, कितनी है? 10,000। तो ये आपका बचेगा 1,90,000, ठीक है। और यहाँ आप लिख दोगे गुड्स विद कस्टमर,
और वो किस पे लिखोगे? सर वो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस पे 8333। ठीक है, तो ये आपने देखा गुड्स अप्रूवल बेसिस का हमें किस तरीके से क्या करना है। होपफुली ये समझ में आए, बहुत सिंपल है ये भी। चलो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और दूँ, अगर जैसे 3/10 ऑन कॉस्ट है तो कैसे पढ़ोगे इसे बताओ? 10 की कॉस्ट है तो 3 का प्रॉफिट, तो 3/13 ऑन सेल। अरे दोनों को ऐड कर दो यार। अगर 5/12 ऑन सेल है तो बताओ कैसे लिखोगे? ऑन कॉस्ट कितना होगा? 12 की सेल, 5 का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 7। इन दोनों को माइनस का, यहां से यहां जाना है माइनस, यहां से यहां जाना है प्लस। समझ में आया? और मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया। तो ये हमने देखा गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जो कि थोड़ी सी टेक्निकल और एक इम्पॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। इसके बाद एक दो एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ और लूंगा, बट दैट इज कंपैरेटिवली इजी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। कीप शेयरिंग वीडियोस विद द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।